नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज गर्ल सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSEB के स्पेशल राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि जो CSEB के लिए जो एप्लीकेशंस थी वो 27 जुलाई तक अवेलेबल थी, 27 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते थे। आज है 28 जुलाई, तो आज जो है इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो रिज़ल्ट है, फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट बोल सकते हैं, वो जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम JEE से रिलेटेड और अदर ऑल इंडिया एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बोला गया है कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो CSEB स्पेशल काउंसलिंग राउंड 2019 रिजल्ट का आज घोषित कर सकता है। इस राउंड में उम्मीदवारों को 27 जुलाई तक काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराने तक का समय दिया गया था। CSEB, IIT, GFTI और NIT में सीट आवंटन के लिए दो अलग अलग राउंड जो है वो आयोजित करेगा। कौन करेगा? CSEB। उसके बाद क्या बोला गया कि जो CSEB की ओर से आयोजित किए गए स्पेशल काउंसलिंग राउंड 2019 का परिणाम आज जारी किया जा सकता है। JEE मेंस परीक्षा में सफल इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए CSEB की ओर से स्पेशल काउंसलिंग राउंड 25 जुलाई से आयोजित किया गया था। उस राउंड में उम्मीदवारों को 27 जुलाई तक काउंसलिंग प्रक्रिया से के लिए 27 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का समय दिया गया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल राउंड की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आज यानी कि 28 जुलाई को स्पेशल राउंड के पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा। बोला गया है कि सेंट्रल CSEB की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक स्पेशल काउंसलिंग राउंड की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार को 27 जुलाई तक आवंटित सीटों को लॉक करना होगा। स्पेशल राउंड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को JEE मेन 2019 परीक्षा में रैंक के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीटें आवंटित की जाएगी। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में क्या है। सबसे पहले CSEB स्पेशल राउंड 2019 रजिस्ट्रेशन जो 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 27 जुलाई तक आवेदन करना था। पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी एंड चॉइस फिलिंग वो भी 25 से स्टार्ट हुआ था और 27 जुलाई तक आप सभी को करना था। आगे है कि स्पेशल राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 28 जुलाई 2019 यानी कि आज जारी हो जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, वहां पर आपको पूरी इसकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आगे बात करें तो आगे एक्सपेक्टिंग एंड सरेंडर ऑफ अलॉटमेंट सीट जो कि है 29 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको सीट अलॉटमेंट वो जो है उनका लॉक करना होगा। और आगे स्पेशल राउंड जो 2 है सीट अलॉटमेंट वो 1 अगस्त 2019 तक ये भी जारी कर दिया जाएगा। आगे क्या बोला है कि CSEB, IIIT, GFTI और NIT में सीट आवंटन के लिए दो अलग अलग स्पेशल राउंड आयोजित करेगा। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के इच्छुक छात्रों को बची हुई सीटों पर प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग का स्पेशल राउंड आयोजित किया जा रहा है। उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि CSEB स्पेशल काउंसलिंग राउंड 2019 के पंजीकरण के लिए JEE मेन 2019 परीक्षा को क्लियर करना होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आप इम्पोर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं और उसी हिसाब से ये डेट तो निकल चुकी हैं। मेन है आपके लिए ये 3 डेट्स। आज फर्स्ट शिफ्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा और 30 तक आपको सीट जो है वो लॉक करनी होगी। तो ये सब प्रक्रिया है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और जो CSEB का फर्स्ट राउंड है उसके रिजल्ट्स के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।